मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो बेटा, इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द रीडिंग ऑफ चैप्टर 4. ठीक है, तो चैप्टर 4 है बेटा, दैट इज अबाउट एसिड बेस एंड साल्ट. इन द प्रीवियस चैप्टर जो है हमने केमिकल प्रोसेसेस, रिएक्शंस, इन सब के बारे में रीड किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एसिड बेसिस एंड साल्ट. ठीक है, क्योंकि जो थर्ड चैप्टर था वो था आपका केमिकल सब्सटेंसेस के बारे में, क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस क्या होती है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स क्या हैं, क्या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ये सारे. तो इस पार्ट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एसिड और बेस के बारे में. हमें पता है दैट देयर आर वाइड वेराइटीज ऑफ मटीरियल. अलग अलग मटीरियल्स की वेराइटी है. दे डिफर फ्रॉम अनदर कलर में, ओडोर, स्मेल में, टेस्ट में, फिजिकल स्टेट में और दूसरी प्रॉपर्टीज में वो एक दूसरे से डिफर करते हैं. ठीक है, तो दे डिफर फ्रॉम, और क्या, वी ऑफन जो प्रॉपर्टीज है क्लासीफाई करते हैं सब्सटेंसेस को और मटेरियल को इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में. कुछ जो मटेरियल्स है जैसे लेमन हो गया, विनेगर हो गया, टेमरिंड, इमली हो गई, इनका खट्टा टेस्ट होता है. तो जिनका खट्टा टेस्ट होता है बेटा, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एस. सो बेटा, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड. अदर मटेरियल्स लाइक बेकिंग सोडा, सोप, इनका बिटर टेस्ट होता है. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड बेसिस. तो द टर्म एसिड जो है बेटा, दैट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस. तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जितने भी सोर सब्सटेंस आते हैं, सोर, वो सारे खट्टे सब्सटेंस जो है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिड. वो एसिड की प्रेजेंस की वजह से होते हैं. ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास जो एसिड्स हैं, दैट इज ऑफ हैविंग टू कैटेगरीज. फर्स्ट है मिनरल एसिड्स. ये मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं बेटा, विच आर प्रिपेयर फ्रॉम द मिनरल्स. मिनरल से प्रिपेयर होते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द अर्थ, आर कॉल्ड मिनरल एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे मिनरल एसिड्स हैं जो आपको इनके नेम लर्न ही करने हैं. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड. So these are the mineral acids which are prepared from the earth. Next आते हैं बेटा हमारे पास organic acids. Organic acids कौन से होते हैं, जो हमें fruit से, vegetable से, इनसे मिलते हैं. ये सारे organic होते हैं. जैसे हमारे पास orange है, guava है, lemon है, amla, grapes, ठीक है. ये जो सारे हमारे पास different different fruits और वेजिटेबल्स आते हैं, अलग अलग प्लांट से मिलते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ये ऑर्गेनिक एसिड्स में गुआवा जो है वो कंटेन करता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज दैट कंटेन्स द ऑरेंज, लेमन एंड आमला, दीज ऑल कंटेन सिट्रिक एसिड, ग्रेप्स, टैमरिन एंड गूज बेरीज जो आमला है वो टार्टरिक एसिड कंटेन करते हैं. इसी तरह से जो सोर मिल्क बच जाता है बेटा हमारे पास, सोर मिल्क कंटेन करता है हमारे पास, दैट इज लैक्टिक एसिड. विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स जो कंटेन करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा स्टिंग ऑफ बीज. स्टिंग ऑफ बीज का मतलब जो काटती है मधुमक्खी, रेड आंट, चींटियां हो गई, वास्प, बिरड, ततैये वगैरह, स्टिंगिंग नीटल, इनके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है COOH विच कॉजेज अ शूटिंग पेन. जैसे ही आपको वो हिट करती है वहीं पर आपको रेडनेस, स्वेलिंग, पेन होता है, इरिटेशन होता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंटेन फॉर्मिक एसिड. एसिड्स हो गए जैसे HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, ये सारे बेटा स्ट्रोंग एसिड होते हैं. अभी हमने रीड करा था स्ट्रोंग एसिड होते हैं प्लस मिनरल एसिड होते हैं. तो इसी तरह से जो सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गए, दीज आर वीक एसिड. ये हमारे पास वीक एसिड होते हैं.
तो वी विल लर्न मोर अबाउट स्ट्रोंग एंड वीक एसिड इन हायर क्लासेस. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इनकी और डिटेल स्टडी करेंगे. एसिड मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्रीज में बनती है, हाईली कंसंट्रेटेड होती हैं, दैट इज वाटर कंटेंट इन दैम इज वेरी लो. कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है वाटर को ऐड करने से. हमारे पास दो तरह के एसिड होते हैं बेटा, एक होता है डाइल्यूट और एक होता है कंसंट्रेटेड. जब हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो एसिड के अंदर हम मोर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो वाटर ऐड करने से वो बन जाता है डाइल्यूट. ओके, अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेटेड की तो कंसंट्रेटेड के अंदर लेस वाटर होता है, लेस वाटर, ठीक है, और प्लस में मोर क्या होता है इसमें, एसिड. तो एसिड का कंटेंट ज्यादा, वाटर का कंटेंट कम. वो कंसंट्रेटेड जिसमें एसिड का कंटेंट कम और वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है वो होता है डाइल्यूट. तो एसिड मैन्युफैक्चरर्स जो है फैक्ट्रीज हाईली कंसंट्रेटेड, दैट इज वाटर कंटेंट इन देम इज वेरी लो. तो कंसंट्रेशन कैन बी डिक्रीज बाय एडिंग वाटर टू देम, इसीलिए लो कंसंट्रेशन वाले को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड. ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास बेसिस एंड एल्कलीज. बेसिस जो है आर सब्सटेंस होते हैं विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट. जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से, ठीक है. हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी किया था, हमने क्या रीड किया था उसमें, एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट करेंगे बेटा एंड दे विल फॉर्म साल्ट प्लस वाटर. तो ये जो सॉल्ट बना है दैट इज नॉट हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, नॉट हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें मिक्स होकर बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं. सॉल्ट का हमने एग्जांपल किया था जैसे NaCl, नमक, सॉल्ट. तो सॉल्ट जो है हमारे पास दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस. क्योंकि जो बेसिस होते हैं वो पानी में सोल्यूबल होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, एल्कलीज. एल्कलीज विच आर सोल्यूबल, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस. सोडियम हाइड्रोक्साइड आल्सो टर्म्स एंड एल्कली बिकॉज इट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है. उसके बाद बेटा हमारे सम बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं. तो लाइक एल्यूमिनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं हमारे पास, वीक बेस होते हैं, ठीक है. जो पानी में डिजोल्व जाते हैं एल्कलीज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. जो नहीं होते हैं दैट आर वीक बेसिस. ओके, नेक्स्ट है बेटा इंडिकेटर. इंडिकेटर का मतलब होता है टू इंडिकेट समवन, आइडेंटिफाई करने वाला, ऑन द नॉट ओनली ऑन देयर टेस्ट पे ही नहीं करते. जैसे हमने कहा कि जितने भी सिट्रस होते हैं सिट्रिक, उनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है क्योंकि वो खट्टे होते हैं, ठीक है, तो वो एसिड हो गए. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम उनके चेंज टेस्ट की बजाय उनकी क्या कह सकते हैं हम, कलर के बेस पे, एसिडिक या बेसिक मीडियम में कैसे प्रेजेंट है उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं. तो इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शो डिफरेंट कलर्स इन एन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम. जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग, सो इंडिकेटर्स जो है वो एसिड और बेसिक में अलग अलग कलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन दस इन आइडेंटिफाइंग एसिड एंड बेसिस. तो इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज लिटमस. हमारे पास होता है बेटा लिटमस सॉल्यूशन जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है. अगर हम लिटमस पेपर को एसिड में, तो लिटमस स्ट्रिप मिलती है हमें, अगर हम उसको एसिड में डिप करते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू रेड, तो दैट मीन्स दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है. इसी तरह से अगर हमारे पास, हमने बेस को चेक करना है और हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है, ब्लू लिटमस विल चेंजेस इनटू ब्लू टू रेड, तो वो हमारे पास क्या है, एसिड. अगर वो रेड टू वापस ब्लू हो जाता है तो वो हमारे पास क्या है, बेस, ठीक है. तो लिटमस कैन बी यूज्ड एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन
इन प्रैक्टिस इट इज ड्राई भी होता है ये, और बेटा ये सॉल्यूशन भी आता है, जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं। दिस इज द रिएक्शन। ये आप सबको घर में एक्टिविटी करके देखनी है। क्या करना है, लेमन लो, स्क्वीज करो उसको, उसका जूस निकालो, और जो लेबोरेटरी से हमें बाहर से बाजार से मिलती है स्ट्रिप, ठीक है, अगर ब्लू लिटमस को तुम डालते हो स्ट्रिप को और वो रेड हो जाती है, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। इसी तरह से सोप सॉल्यूशन है, डिश बार है, जो बर्तन धोने वाला सॉल्यूशन आता है, उसमें अगर आप रेड स्ट्रिप डालते हो और उसका कलर ब्लू हो जाता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसी तरह से हम घर पे भी यूज कर सकते हैं टर्मरिक, हल्दी, इट टर्न्स रेड इन ए बेसिक। हल्दी लो और उसके अंदर सोप सॉल्यूशन डालो, अगर उसका कलर रेड ऑरेंज हो जाता है, डार्क ब्राउन हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो बेस है। अगर वो सेम रहता है तो वो एसिड, ठीक है। आपने देखा है कि कई बार जब हम खाना खाते हैं सब्जी का दाग लग जाता है, तो मम्मा जब उसको वॉश करती है वो येलो जो है टर्न हो जाता है ब्राउन में, ऑरेंज में, तो विच शोज क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। जूस ऑफ चाइना रोज, जो चाइना रोज का हमारे पास फ्लावर आता है, उसको भी हम नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। जो डार्क पिंक देन एडिट टू एन एसिड डालते हैं, वो ग्रीन हो जाता है डार्क पिंक से। अनदर कॉमनली यूज इंडिकेटर फिनोफ्थेलिन, ये हमें लेबोरेटरी से मिलता है बाहर मार्केट से, इसका कलरलेस हो जाता है एसिड मीडियम में और पिंक हो जाता है बेसिक में। तो हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर हो गए बेटा, एक तो हो गया नेचुरल, नेचुरल जो हम घरों में एज इट इज घर वाली चीजों से, जैसे हल्दी है, टर्मरिक, इसी तरह से हमने अभी किया था चाइना रोज, ठीक है। ये इसी तरह से एक और आता है बेटा लाइकन, लिटमस सॉल्यूशन। ये दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स जो हम घर पे ही बना सकते हैं एसिड और बेस को चेक करने के। दूसरे हमारे पास होते हैं सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन से होते हैं बेटा, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, जैसे अभी हमने किया था फिनोफ्थेलिन हो गया, ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन हो गया, ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर, ये हमारे पास सिंथेटिक में है, ओके। नेक्स्ट है बेटा न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने लास्ट में भी की थी कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस, एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो उससे बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड, यानी कि एसिड प्लस बेस बोथ विल रिएक्ट, दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी शो कर रखी है बेटा, हम मार्केट से हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं, ठीक है, और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐसे कॉनिकल फ्लास्क में डाल देंगे ये, और फिर उसमें हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें ये मार्केट से मिल जाएगा इजीली, जैसे ही हम डालेंगे स्टर करेंगे हिलाएंगे इसको, एडिशन ऑफ अनदर ड्रॉप डालते ही कलर चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन का रेड टू ब्लू। तो ये किसकी वजह से हुआ, एसिड और बेस दोनों ने रिएक्शन की और चेंज हो गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl, दे विल फॉर्म NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। इसी तरह से अनदर एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दे विल फॉर्म K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस में वाटर, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, दे विल चेंज MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड प्लस में वॉटर। तो दीज आर द रिएक्शंस, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर स्मॉल क्वांटिटी में स्टमक में हमारे प्रेजेंट होता है तो दैट इज वेरी नेसेसरी, नहीं तो हमारी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर सिक्रीट होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो ये किल करता है बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं फूड के साथ, दूसरा अगर ये ना हो तो जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं वो हमारे डाइजेस्ट, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं बेटा, हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, एंड देन एक्सेस ऑफ एसिड अगर पड़ी हो स्टमक में तो ये अनइजीनेस
मतलब कि थोड़ा सा मतलब बेचैनी, नोजिया, वोमिटिंग जैसा, और क्योर इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं बाय द मेथड्स कॉल्ड एंटासिड्स। ठीक है, एंटासिड्स क्या होती हैं बेटा? टैबलेट आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, या आप कह सकते हैं एक तरह से बेस होता है, क्योंकि जब एक्सेस एसिड हम यूज करते हैं तो उसके साथ बेस जाएगा अंदर, एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेंगे और वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंट एसिड टेम्पलेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेटा नेमिंग ऑफ सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आती है साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सल्फेट, साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोराइड, साल्ट ऑफ नाइट्रेट एसिड, साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज कॉल्ड क्लोराइड, साल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड कॉल्ड नाइट्रेट, साल्ट ऑफ सल्फ्यूरस एसिड दैट इज कॉल्ड सल्फाइड, साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड कॉल्ड कार्बोनेट्स H2CO3, साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH और कॉल्ड एसिड है। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट जो है बेटा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, दीज आर सोडियम एसिटेट नेमिंग ऑफ डिफरेंट साल्ट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल रीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। साल्ट जो है वो बनते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस से, पानी में सोल्यूबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते सॉलिड स्टेट में, जैसे बेटा NaCl सॉलिड स्टेट में नमक, लेकिन अगर हम इसको वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये लिक्विड स्टेट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, में लिक्विड में साल्ट कंडक्ट वाटर इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, वी टेक ए बीकर, हमने एक बीकर लिया बेटा और उस बीकर में हमने पानी डाला और सोडियम क्लोराइड नमक डाल दिया। अब हमने दो ग्रेफाइट की रोड ली है और दोनों ग्रेफाइट की रोड को अटैच कर दिया। अब हमने इसको एक बल्ब से और एक बैटरी से या सेल से अटैच कर दिया ताकि हमें पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही। जब हम इसको 0 LED वाट से कनेक्ट करते हैं, ये ग्लो करते हैं, इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज ड्यू टू सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फिर आती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। साल्ट्स जो है न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक, तीन तरह के होते हैं। जो न्यूट्रल होते हैं बेटा वो रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से बनते हैं, स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस से, जैसे सोडियम क्लोराइड है स्ट्रोंग एसिड HCl, स्ट्रोंग बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एग्जाम्पल है KCl हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, एसिडिक साल्ट का मतलब क्या है, एसिड ज्यादा है तो सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रोंग एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ जो एसिडिक सॉल्ट है वो एसिडिक है क्योंकि एसिड का कंटेंट ज्यादा है उसमें। ठीक है, और ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस AlOH साइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बनेगा, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक सॉल्ट बेटा, बेसिक है तो इसका मतलब बेस का कंटेंट ज्यादा है, वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस। तो सॉल्यूशन ऑफ बेसिक सॉल्ट जो है वाटर में चेंजेस द कलर ऑफ रेड टू ब्लू हो जाएगा, सोडियम एसिटेट बेसिक सॉल्ट है, बाय द रिएक्शन ऑफ वीक एसिड बन रहा है स्ट्रोंग बेस। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक सॉल्ट, सो दीज आर द डिटेलिंग ऑफ योर चैप्टर दैट यू हैव टू लर्न। ठीक है, इसके बाद जब हम पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, रीड कर लेंगे, देन यू हैव टू लर्न योर कीवर्ड्स विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। ओके बेटा।